अमेरिका में था और मेरे मैनेजर को कॉल्स आई हैं थ्रेट की और मेरे लिए भी थ्रेट दिया उन्होंने, डेथ थ्रेट। और बाकी मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस सर से मिला हूँ और मैंने अपनी कंप्लेंट दी है और वो कह रहे हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उन्होंने मेरे को बताया कि शायद स्पेशल सेल इसको देखेंगे और मैं जो भी मेरे पास था, जो भी एविडेंसेस थे, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी मैंने उनको प्रोवाइड करी है। उन्होंने सारी डिटेल में चीज़ें नोट करी हैं और उसके बाद वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो वाइल द इन्वेस्टिगेशन इज़ हैपनिंग, दे वांट कि मैं ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज करूँ। हनी सिंह, क्या हुआ है, क्या धमकी मिली है? मेरे को सामने देखे, मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी बराड के नाम से वो लोग बोल रहे हैं। और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और उसको इन्वेस्टिगेट कराए, तो कर रहे हैं हम रिलीज कर रहे हैं। हनी, क्या धमकी मिली है? बोला क्या फोन पे? क्या उन्होंने अभी ज्यादा सर ने बना कराया भी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ, तो दे सेड कि मीडिया में कुछ भी नहीं। आप क्या कुछ पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्कस एनीथिंग, मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास। हनी सिंह, आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कुछ थ्रेट आया और सब कॉल आया। हनी, आपके पास कॉल था? एक सेकंड, क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? मैंने बस ये की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, प्रोटेक्शन। कब आया आपकी कॉल, कितने बजे? आपको इंडियन नंबर से, विदेशी नंबर से? वॉइस नोट भी आई है? कुछ वॉइस नोट्स आए और कॉल्स आए। क्या बोल रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं? मैं बता नहीं पाऊंगा, आप सबसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, आपको जल्दी बताएंगे। ठीक है।